कंट्रोल, यस, पैर पे आराम, हमारा साथी क्रूज कंट्रोल तो यूज ही नहीं कर सकते थे, तो अभी क्रूज कंट्रोल चालू कर रहे हैं। वेल हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वी आर इन उडीपी राइट नाउ और हम लोग है फॉर्चून होटल में और अभी हम लोग एक्चुअली चेकआउट कर रहे हैं और रात को आपको कुछ भी अपडेट दे नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो फॉर्चून होटल ने चार्जिंग हमको दिया और दैट इज लिस्टेड ऑन bookings.com। booking.com पे हमने वो फीचर, हमने स्पेसिफिकली ये बुकिंग इसके लिए किया था ताकि हम वो फीचर टेस्ट कर सके, नहीं तो हमारा प्लान था आगे टाटा शोरूम में वहाँ पे गाड़ी स्लो चार्ज पे लगाने का, बट सिंस दैट फीचर वाज देयर वी थॉट वी विल टेस्ट इट फॉर यू एंड हमने booking.com के थ्रू बुक किया एंड वी मेड श्योर वी कॉल्ड देम एंड वी कंफर्म्ड के है कि नहीं एंड वी केम हियर एंड टेस्टेड इट आउट एंड इट ऑल वर्कड आउट फाइन। थोड़ा सा देयर इज नो इशू, दे हैव अ स्मॉल, दे हैव हैड अ 69 एम्पीयर प्लग पॉइंट व्हिच वाज यूजिंग समथिंग एल्स, सो वी यूज्ड अ कन्वर्टर दैट वी हैव टू चार्ज द कार, बट एवरीथिंग इज फाइन, कार इज चार्ज टू 100% राइट नाउ। तो इफ यू आर ऑन दिस रूट एंड booking.com पे आप देख सकते हो एंड द चार्जिंग इज वर्किंग, द ईवी चार्जिंग इज स्टिल वर्किंग इन द होटल। सो बहुत सारे लोग एक्चुअली मैंगलोर से गोवा जाना चाहते हैं और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्जिंग तो वो जा नहीं पा रहे, सो इन फॉर्चून होटल यहाँ पे स्लो चार्ज कर सकते हो। मैंगलोर, वी नो मैंगलोर से उडीपी इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बट दो इफ़ यू हैव MG तो मेरे ख्याल से वो टाटा शोरूम तक भी पहुँच जाएगा जो हम लोग आगे जाने वाले हैं। और अगर आपके पास नेक्सॉन है तो यहाँ पे आप हॉल्ट ले सकते हो चार्जिंग के लिए, चिल करने के लिए, इनका रेस्टोरेंट भी है, आप खाना पीना खा सकते हो वहाँ पे। बट एक और चीज़ है, जैसे सुकी ने बताया हमने कन्वर्टर से बेसिकली कन्वर्ट करके चार्जिंग किया था, वो कन्वर्टर भी हम आपको बताएंगे कि वो कन्वर्टर है क्या। या वो पहली बार एक्चुअली बहुत टाइम से पहली बार हमने यूज किया है उसको, तो वो कन्वर्टर से हमने चार्ज किया है। एनीवेज यहाँ पर वी आर कवरिंग दिस रूट स्पेसिफिकली बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टल रूट्स टू गो ऑन, नंबर वन, एंड नंबर टू यहाँ पे बहुत लोगों को जाना होता है बट यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये दिखा दिया, द मेन पॉइंट द टाटा वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज गोना कम इन आफ्टर अ व्हाइल, तो वो वाला भी हम आपको दिखा देंगे बिकॉज़ दैट इज लाइक अ मेन सेंटर पॉइंट, लाइक इट्स अराउंड 100 प्लस ऑलमोस्ट 190-200 किलोमीटर फ्रॉम मैंगलोर, तो दैट विल बी अ सेंटर पॉइंट फॉर अ नेक्सॉन ओनर। तो वहां पर आप चार्ज करके ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो आजू बाजू में, या तो वहां पे थोड़ी देर चार्ज करके आप गोवा भी जा सकते हो। So we'll show you that place and then we'll continue our journey to go. तो अभी निकलते हैं और very excited. The next road that is coming. We'll tell you more about that. That will be more like the most beautiful road we are gonna drive today. Yeah. So stick around. और उसके पहले अगर आप लोगों ने ये vlog नहीं देखा होगा तो ये जरूर देखना. That is a very important vlog. अगर आप किसी भी होटल में अगर आप चार्ज कर रहे हो गाड़ी और वो लोग मान नहीं रहे तो आप ये वीडियो दिखा सकते हो उनको ताकि आपको इजीली चार्जिंग मिल जाए। सो विल सी यू, स्टिक अराउंड और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग हैं फॉर्चून होटल में उडीपी और जैसे कि आपको बोला था ये लोगों ने चार्जिंग दिया था और यहाँ पर आप देखोगे तो ये 15 एम्पीयर नहीं है, ये हमने कन्वर्टर लगाया है 5 एम्प से और ये हमारा जो कन्वर्टर है इसमें 15 एम्पियर जाके बैठता है। सो उसके बाद में और एक कन्वर्टर लगाया 15 एम्पियर टू 15 एम्पियर, सो इसके लिए लगाया ताकि हम लोग सेफ रहे, अगर कुछ भी हुआ तो ये बॉक्स को हो जाए, बट कुछ हुआ नहीं, इट इज़ सेफ। और उसके बाद में ये बॉक्स से हमने अपना चार्जर लगाया दैट इज़ कनेक्टेड टू द कार। सो इट इज़ सो सिंपल, आपको सिर्फ बेसिकली कन्वर्टर बनाना है और कन्वर्टर बना के आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो अगर आपके पास 15 एम्पियर नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली कनेक्शंस बहुत ही अच्छे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था अर्थिंग वगैरह का, हमको अर्थिंग वगैरह देना नहीं पड़ा बिल्कुल ही। सो बहुत ही इजीली चार्ज हो गया। सो आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, ये यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है हमारा और ये हमारा चार्जर यहाँ पे लगा हुआ है एंड दिस इज़ द 15 एम्पियर एक्सटेंशन, छोटा सा एक्सटेंशन है हमारा और वो वहाँ पे जो आप देख रहे हो दैट इज़ कन्वर्टर, बेसिकली छोटे प्लग से
बेसिकली 5 एम्पियर से 15 एम्पियर का कन्वर्टर है, और वहाँ पे हमने इसका बेसिकली कनेक्ट किया है, और यहाँ से हमने अपना चार्जर लगाया हुआ है। सो इट इज़ सो सिंपल। फॉर्च्यून होटल ने चार्जिंग दे दिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। रात को हम लोग आए थे यहाँ पे, चार्जिंग किया, इट वॉज़ प्रिटी सिंपल। सो अगर आपको बेसिकली ये कन्वर्ट करना पड़े या कुछ भी हो, सो इट इज़ सो सिंपल। सो वी होप आपको ये वीडियो काम में आएगा। सो वी हैव चार्ज 100% इन फॉर्च्यून होटल नूडीपी। सो यहाँ पे चार्ज हो गया है 100%, कोई भी दिक्कत नहीं आई, और अभी हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट रोड्स, स्लो स्पीड और लंबा जर्नी, ये सब का मतलब क्या? क्रूज कंट्रोल, यस, पैर पे आराम। हमारा साथी आकाश जी का आविष्कार, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये क्रूज कंट्रोल जो है, अब इसका अपडेट वर्जन कैसा है वो अभी देखेंगे, लेकिन इसने हमारा दिल इतना खुश कर दिया है कि आपको बता नहीं सकते। आप बोलते हो कि बहुत दिनों से हमने यूज नहीं किया या दिखाया नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स केरला का तो रोड आपने देख लिया, वहां पे क्रूज कंट्रोल का कोई स्कोप ही नहीं था यूज करने का। एंड आई गेस उदयपुर वाले वीडियो में या कुछ हमने डाला था, उदयपुर में डाला है। और जो ये रूट कवर कर रहे हैं, मतलब जो केरला का रूट था, वो तो सीरियसली मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि तो हर एक मिनट में आपको ब्रेक मारना पड़ता है। या इट वाज वेरी जनरल, लाइक ओल्ड हाईवे वाला ड्राइव था वो, तो उसमें थोड़ा इशू था, क्रूज कंट्रोल तो यूज ही नहीं कर सकते थे। एंड अनदर थिंग ना, मैक्सिमम रूट जो हमने अभी तक कवर किया था वो डाउनहिल पे ही था, तो व्हाट वी नोटिस्ड इज के डाउनहिल में अगर हम लोग विदाउट क्रूज कंट्रोल सिर्फ गाड़ी को रोल होने देंगे तो वी गेट अ बेटर माइलेज, क्योंकि नेचुरली क्रूज कंट्रोल हैज अ थिंग वेर इन जो आपने स्पीड अगर 60 सेट किया है तो 60 पे रुका देता है आपको, लाइक वो ब्रेक करके 60 पे ही रखेगा, जबकि हम चाहते हैं कि वो 60 पे फिर अगर 80 भी रोल होके जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, वैसा करना है तो वी कवर मोर किलोमीटर्स लाइक दैट। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर आप क्रूज पे 60 पे क्रूज किए हो और डाउनहिल है, तो बेसिकली वही मेंटेन करने के लिए ना ब्रेक मारता है क्रूज कंट्रोल। क्या करता है, ब्रेक मारता है। आप ग्राफ पे अगर देखोगे तो वो पीछे जाता है वापस आके आता है, पीछे जाते हैं वापस आके आता है, तो ऐसा जर्क बैठता है बार 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 बार। yeah. तो वो एक्चुअली अगर विदाउट क्रूज कंट्रोल आप जैसे कि सुखी ने बोला रोल होने दोगे, That will give you much better mileage। और हमको ये पता है कि जो final version आने वाला है ये cruise control का, इसमें ये problem नहीं होगा, that will be much more better। या उसमें बहुत सारी चीजें और add on हो रही है, तो that is anyways gonna be much better than this one। But no complaints about what you have right now, frankly speaking। For sure। इतना मतलब जैसे अभी ये वाला route जो है, इस पे इतना ऐसे वाले route पे तो बहुत आराम मिल जाता है। इट्स लाइक बेसिकली आप उसको ऑन करके बैठ जाओ, गाड़ी अपने आप चलती जा रही है, तो दैट्स द फन पार्ट ऑफ इट। सो अभी चालू करते हैं क्रूज कंट्रोल, यस, और ड्राइव एंजॉय करते हैं। सो अभी क्रूज कंट्रोल चालू कर रहे हैं, तो ये ऑन हो गया है 55 के स्पीड पे, अभी मैं पेडल छोड़ रहा हूँ। Thank you.
सोच रहे हैं कि ये वाले व्यूज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे जो आपने अभी देखे, देन वेट फॉर व्हाट इज कमिंग नाउ. इन लेस देन 5 किलोमीटर्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टल रूट्स ऑफ द कंट्री. बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है. क्रूज कंट्रोल है, टेंशन फ्री है, ट्रैफिक भी नहीं है, रोड भी खुली है, एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट राइट नाउ. तो दिस प्लेस इज कॉल्ड मरवांते बीच एंड इट इज पार्ट ऑफ कर्नाटका. तो अगर आप ये रूट ले रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू मिस आउट ऑन दिस. और इसका जस्ट अ क्विक अपडेट, जो हमने क्रूज कंट्रोल लगाया है बहुत ही ज्यादा अच्छा माइलेज दे रहा है. और अभी जो वॉट आर है 102. यस, 102 वॉट आर मिल रहा है. तो ऑल योर क्वेरीज आर आंसर्ड हियर. So first of all, we would like to thank our friend Samath Mathur from the Real Talks. He suggested this place. हम लोग अगर ODP से जा रहे हैं गोवा के तरफ, तो हमको समर्थ ने एक्चुअली ये प्लेस सजेस्ट किया कि ये रूट लोगे, इट विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रोड. अगर आप ये रोड लोगे तो आपको व्यूज भी अच्छे मिलेंगे और दोनों चीज अच्छे मिलेंगी. सो थैंक यू सो मच समर्थ फॉर सजेस्टिंग दिस रूट. और डू फॉलो हिम ऑन हिज YouTube चैनल. यस, इवन ही इज डूइंग अ व्लॉग ऑन
बेसिकली उनका जो व्लॉग है वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस होता है, बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस आपको वो दिखाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी आपको बताते हैं जो आपको पता नहीं वो जगह के बारे में. सो डू फॉलो द रियल टॉक्स बाय समर्थ, प्लीज डू फॉलो. एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस दैट वी हैव कम अक्रॉस, और एकदम ही सिक्लूडेड था एक्सेप्ट फॉर एक जगह जहाँ पर नारियल पानी वगैरह मिल रहा था, और कोई भी नहीं था. लोग सिर्फ पीपल वर जस्ट स्टॉपिंग देयर, पिक्चर्स खींच रहे थे एंड गोइंग अहेड. ऐसा कुछ क्राउड नहीं था, कुछ भी नहीं था. एंड आई गेस थैंक्स टू समर्थ प्रॉब्ली वी आर द वन ऑफ द फर्स्ट और प्रॉब्ली वेरी फ्यू ईवी ओनर्स दैट हैव टेकन दिस रूट. आई एम श्योर अगर हम पहले नहीं है तो एटलीस्ट ज्यादा किसी ने किया नहीं, इसका गारंटी जरूर है, क्योंकि ये पूरे 300-400 किलोमीटर के स्ट्रेच में चार्जर ही नहीं, चार्जर नहीं. तो नॉर्मली इतने लंबे स्ट्रेच पे जब चार्जर नहीं होता तो पीपल अवॉइड करते हैं वो रूट लेने से. तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि शायद से ज्यादा किसी ने ये रूट कभी किया नहीं, एंड वी आर डूइंग दिस रूट जस्ट टू शो यू गाइज लाइक यू नो हाउ दिस वन लुक्स लाइक, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड्स इन द कंट्री, वो हाईवेज ऑन द कंट्री. मतलब ऐसा व्यूज आई डाउट किसी हाईवे पे होगा. एंड इफ यू सी द क्वालिटी ऑफ द हाईवे ऑल्सो, लाइक स्मूथ रोड्स, एकदम बटरी रोड्स, और आराम से हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्रूज यूज करते हुए. हम लोग उड़ीपी से फॉर्चून होटल से निकल के अनकुला में आए हैं, मनिक बाग टाटा मोटर्स में. हम लोग यहाँ पे अपना स्लो चार्ज कर रहे हैं. दे वर रियली हैप्पी टू हेल्प अस आउट स्लो चार्ज देने के लिए. तो अगर आप ये रूट ले रहे हो तो डोंट फॉरगेट यू हैव एन ऑप्शन एट अनकुला, राइट, मनिक बाग ऑटोज. एंड ऑनलाइन हमको नहीं दिखा था बट इनके पास में एक होटल भी है अंकोला इंटरनेशनल और समथिंग, तो वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो जस्ट इन केस आपको ज्यादा चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है तो. राइट राइट. एंड विल प्रोवाइड यू विद नंबर्स ऑफ द मैनेजर्स आउट हियर, तो आपको कोई भी इशू है आप उनसे बात कर सकते हो एंड दे विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट. एंड दे आर रियली रियली हेल्पफुल लाइक फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सो मनिक बाग ऑटो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, इनको आप पहले कॉल कीजिए. And they will happy to help. And by the way, we forgot to mention that हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर में खड़े और गाड़ी का वाइपर खराब हो गया था तो वो भी चेंज कराया. Yes.